मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के उपधारा का बांध फिर से टूटा, कई गांव में घुसा पानी। मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी की उपधारा का बांध एक बार फिर टूट गया है। नेपाल में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से उत्तर बिहार की नदियां उफान पर है। इसका असर बागमती नदी पर भी देखने को मिल रहा है। करीब 10 दिन पहले भी यह रिंग बांध ध्वस्त हो गया था। बांध टूटने से आसपास के गांव जलमग्न हो गए हैं। करीब दर्जन गांव पानी से घिरे हैं। मार्ग पर वाहनों का आवागमन बाधित है। जानकारी के अनुसार रविवार रात नेपाल और तराई इलाके में जबरदस्त वर्षा हुई है। लोगों का कहना है कि पिछली बाढ़ में धान व गन्ने की फसल बर्बाद हो गई थी, फसलें रेत में दफन हो गई। इस बार तेज बाढ़ आई तो गांव छोड़ना पड़ेगा। बता दें कि पिछले दिनों बांध टूटने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया था और आपदा प्रबंधन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया था और मरम्मत कर बांध को दोबारा ठीक किया था। वहीं नेपाल में भारी बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कोसी का जलस्तर बढ़ने के कारण बिहार के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोसी बराज और तटबंधों पर आपदा प्रबंधन की टीम विशेष नजर रखी है। वहीं गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं राज्य में बारिश के बाद बाढ़ की संभावित स्थिति को लेकर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक भी हुई। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में संबाधित बाढ़ एवं सुखाड़ की पूर्व तैयारियों की समीक्षात्मक बैठक की गई।